एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग विद नाज। आप सब कैसे हो गाइस? मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। ये ड्रेस देख रहे हो ना, ये मई डिजाइन करी। ओके गाइस, इसके बारे में डिटेलिंग दे दूंगी आप लोगों को। अगर से आप लोग स्टिच करवाना चाहते तो टेलर के पास जाके स्टिच करवा सकते हो। ओके, इस तरह ब्यूटीफुल लहंगा और ब्लाउज हम लोग घर पर भी स्टिच करके इस तरह ब्यूटीफुल लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइनर लहंगे का तरह ही दिख रहा, देख रहे हो ना गाइस। ओके, इसके बारे में टोटल डिटेलिंग दे दूंगी मैं। ये फैब्रिक जो है टोटल 4 मीटर ली गाइस। ओके, लहंगे के लिए 3 मीटर, ब्लाउज के लिए 1 मीटर। ओके, एक्चुअली क्या है, ये 4 मीटर में मैं 3 मीटर में लहंगा बनाई। ओके, मैं खुद बनाई, घर पर कट करके स्टिच करके बनाई, और 1 मीटर में इतना बनाई, 3/4 हैंड्स रखी मैं। 1 मीटर में नहीं आता गाइस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता अगर से अलग अलग परचेस कर रहे तो। मैं 4 मीटर एक साथ ही परचेस करी थी। ओके, इसलिए मैं इसमें का थोड़ा सा एडजस्ट करके हैंड्स लेंथ रखी। अगर से आप लोग इस तरह लेंथी हैंड्स रखना चाहते हो तो 1 मीटर में नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता आपको फैब्रिक। ओके, तो इसके साथ मैं ये देखिए, ये छोटा लेस परचेस करी, देख रहे हो ना, ये छोटा लेस परचेस करके यहाँ पर डिटेलिंग दे दी मैं, और ये नेक पे डिटेलिंग दे दी, और यहाँ पर यहाँ वेस्ट के पास भी बेल्ट के तरह डिटेलिंग दे दी, और जो है नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पर भी डिटेलिंग में दे दी मैं। और इसको जो है गाइस, मैं सैटिन फैब्रिक परचेस करी, सैटिन का लाइनिंग दे दी इसमें, देख रहे हो ना आप लोग। और मैं इसमें केनकेन वगैरह नहीं लगाई, क्या केनकेन पसंद नहीं है तो मैं विदाउट केनकेन बना ली। ओके, अगर से आप लोगों को फुली फुली गेयर अच्छा लगता तो केनकेन स्कर्ट अलग से परचेस कर सकते, अमेजोन पे मिल रहा, आप लोग वहां से भी परचेस कर सकते हो। ओके, तो मैं ये लहंगा बनाई अम्ब्रेला कट में बनाई, ये देख लीजिए अम्ब्रेला स्कर्ट में बनाई, और बहुत ज्यादा इतना सा गेयर है, देख लीजिए इतना ज्यादा है गेयर, देख रहे हो ना, इतना ये इतना काफी है मेरे लिए। ओके, और जो है ब्लाउज प्रिंसेस कट में कट करके स्टिच करी मैं, और मुझे इतना 3/4 लेंथ बहुत ही अच्छा लगता मुझे, क्या कोई भी पहनेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश लगेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे और न्यू लुक दिखेगा। ओके, चलिए इस तरह 3/4 हैंड्स रखी मैं, और नेक जो है वी रखी गाइस में, देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए इस तरह भी, देख रहे हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड रखी, यहाँ पर डेप्थ में जो है थोड़ा सा मीडियम ही रखी, ज्यादा भी नहीं रखी। ओके, अब जितना कंफर्टेबल हो उतना डेप्थ रख लीजिए, और शोल्डर के पास थोड़ा सा विड्थ ज्यादा लेने से बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता। ओके गाइस, और जो है मैं बैक साइड किस तरह रखी दिखा दूंगी आप लोगों को, ये देखिए इस तरह राउंड नेक रखी और बैक का हुकिंग रखी। ओके, बैक साइड से ओपन होता, बैक साइड से क्लोज होता, अगर से आप लोग चाहे तो जिप भी लगवा ले सकते हो साइड में, मगर मुझे जिप वाले कुछ ठीक नहीं लगता था तो मैं हुक्स लगा ली। ओके, वो आपकी चॉइस। तो ये ग्रे कलर लहंगे के लिए मैं दुपट्टा, बस ये फैब्रिक परचेस करी थी, और ये फैब्रिक जो है 450 पर मीटर मिला। टोटल 4 मीटर कितने होता आप लोग काउंट कर लीजिए। ओके, तो और जो है ये दुपट्टा, मुझे इसको मैचिंग दुपट्टा मिल ही नहीं रहता, बहुत सर्च करी इधर एबिट्स में, इधर उधर बहुत ज्यादा ढूंढी शॉप्स पे, फैब्रिक शॉप्स है, बट मैचिंग मुझे कहीं नहीं मिला। तो मुझे इस तरह सीक्वेंस का फैब्रिक ले लेके डाई करवा ली, देख रहे हो ना गाइस, देख इस तरह है, ये जॉर्जेट है, प्योर जॉर्जेट। ओके, मुझे ये भी 450 पर मीटर पड़ा। ओके, तो ये ओनली दुपट्टे के लिए 1300 पे करना पड़ा मुझे, लहंगे ब्लाउज के लिए 2000 में आ गया था मुझे, मगर इसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव। और ये जो लेस है ना गाइस, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा मुझे, 10 रुपीज पर मीटर पड़ा था। ओके, मैं 10 रुपीज पर मीटर, एक 10 मीटर ला ली और इसमें बचे हुए। ओके, और उसके बाद मैं इसको दुपट्टा को ज्यादा हेवी रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये ऑलरेडी सीक्वेंस वर्क है, और देख रहे हो ना इस तरह के सीक्वेंस है, और मुझे हेवी लग रहा था, मतलब अच्छी खास लुक है, अच्छे खासा लुक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसको और ज्यादा चमक दमक लेंगे तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करेंगे, वो थोड़ा अलग ही लगेगा, तो मैं प्लेन ही रखना चाहती थी, बट इस पे थोड़ा सा सीक्वेंस का वर्क है तो उतना नजर नहीं आ रहा, तो मुझे इस तरह सिंपल का दुपट्टा परचेस करके डाई करवा ली। ओके, और उसके बाद जो है प्लेन दुपट्टे को थोड़ा सा इसको डिजाइनर लुक देने के लिए ये लेस देख रहे हो, ये लेस परचेस करी मैं,
ये यहाँ पर मुझे ओल्ड सिटी में 65 रुपीज पर मीटर मिला था गाइस। ओके, अगर से आप लोग उधर मार्केट के हिसाब से रहता तो यहाँ अगर से आप लोगों को सस्ता भी मिल सकता मार्केट के हिसाब से, हमारे एरिया में तो मुझे इतना रेट पड़ा। ओके, मैं इसका 2.5 मीटर ले लेके दुपट्टे के एंडिंग्स में देख रहे हो ना, इस तरह एंडिंग्स में लगाई, मैं खुद लगाई। आप लोग चाहे तो मशीन पे लगवा सकते हो या नहीं तो हैंड से भी लेस लगवा सकते हो। ओके, तो ये इस तरह ये ब्यूटीफुल लहंगा बनाई मैं और ये ब्यूटीफुल ब्लाउज बनाई। मैं सोची नहीं इस तरह इतना ब्यूटीफुल आएगा, रियली रियली थैंक गॉड, बहुत ही अच्छा आया गाइस। और इस तरह के ड्रेसेस हम पहन के वेडिंग गेस्ट में, गेस्ट के तरह भी शादियों में जा सकते हो, फंक्शनों में जा सकते हो। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है ड्रेस, देखने में सिंपल दिख रहा और लुक वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा और एकदम क्या बोलते हैं क्लासी लुक दिख रहा है ना गाइस। और जो नेक जो है इसमें ब्रॉड, शोल्डर के पास ब्रॉड और जो है लेंथ भी ब्लाउज का मैं ज्यादा ही रखी, आप लोग चाहे तो आपके हिसाब से रख लीजिए। ओके, इस तरह का लुक तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। और जो है इसको मैचिंग मैंने ग्रे कलर बैंगल्स ले ली, ये वेलवेट बैंगल्स बोलते गाइस, मैं पहले कभी बैंगल्स पहनती नहीं थी, सच बोल रही हूँ। तो उसके बाद में मैं जब से YouTube स्टार्ट करी, वीडियोस निकालना स्टार्ट करी, तब से मैं थोड़ा चूड़ियां पहनना भी शुरू कर दी। ओके, इस तरह के प्लेन बैंगल्स पहनने में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नीट एंड क्लासी लुक आता गाइस। ओके, एक्चुअली कुछ डिजाइन वगैरह रहेंगे ना, कुछ उतना कुछ मुझे कास्ट नहीं दिखता, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। ओके, तो इस तरह वेलवेट बैंगल्स ले ली मैं, बहुत ही सिंपल है और ये एक हैंड में पहनी, एक हाथ में तो कुछ नहीं पहनी। ओके, ये मेरे को ऐसा पसंद है तो मैं इस तरह स्टाइल कर रही हूँ। आप लोगों को जिस तरह भी स्टाइल करना हो आप लोग कर सकते हैं। इयररिंग्स जो है ना गाइस, ये मैं यहीं पर हैदराबाद में स्ट्रीट शॉपिंग में ली थी, इससे पहले आप लोगों को बता ही दी मैं, 180 रुपीज में अपने का ऑनलाइन भी मिल जाता इस तरह के। तो इस पे मैं नेक पीस वगैरह कुछ नहीं पहनी, ये तो मेरा हमेशा का रहने वाली चैन है। ओके, इस तरह बस इतना सा सिंपल सा। और मेकअप जो है गाइस देख लीजिए, स्मोकी आई मेकअप क्रिएट करी मैं सोची भी नहीं इतना अच्छा आएगा मुझे मेकअप करना। ओके, मैं मेकअप कर रही हूँ अभी, ट्यूटोरियल भी डाल रही हूँ, बट इतना अच्छा से ब्यूटीफुल से आएगा मुझे आइडिया नहीं था। ओके गाइस, ये टीनएजर्स के लिए ये लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा गाइस, आप लोग ट्राई करके देखे। ओके, ये ग्रे स्मोकी लुक क्रिएट की मैं। ये हेयर स्टाइल देख लीजिए गाइस, मैं कुछ ज्यादा स्टाइली फैंसी वगैरह कुछ नहीं करी, बस हेयर निकाली, इधर बैक कॉमिंग करी और यहाँ पर थोड़ा सा हेयर निकाल के ऐसा रबर बैंड डाल के इस तरह बन बनी। ओके, और उसके बाद में बाकी का हेयर जो है फ्री छोड़ दी, इस तरह छोड़ दी। इस तरह हेयर स्टाइल्स बहुत ही अच्छा लगते, मुझे हेयर स्टाइल्स नहीं आता बट मुझे जो भी आता मैं वो ट्राई कर रही हूँ। ओके, देख लीजिए ओवरऑल लुक देख लीजिए, अगर से आप लोगों को अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, अगर से मेरा चैनल थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करूंगी आप लोगों को तुरंत आ जाएंगे आप लोग बेल आइकन क्लिक करेंगे तो। ओके गाइस, चलिए गाइस, अगर से आप लोग इस तरह के आइडियाज देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इस तरह का और पैटर्न बनाऊंगी आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगी। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू।